काउंट करो अब इन थार्स को। गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, कम से कम 100-200 साल हो गए, 100-200 साल से मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं है। फाइनली बहुत बंदे कह रहे थे, मोगी भाई क्या कर रहे हो यार, व्लॉग बनाना दो। तो भाई फाइनली अब व्लॉग बना रहे हैं और सुबह के 5 बजे अभी देखो आपको लग रहा होगा कि अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है क्योंकि सुबह के 5 बजे उठ के मैं तैयार हो गया हूँ। और सुबह 5 बजे उठाऊँ तो भाई कोई खास काम तो होगा, खामे तो उठूंगा नहीं, चुल तो है नहीं, रस्ते में बताऊंगा ठीक है। गाड़ी हमारी खड़ी है, बहुत टाइम से आपको दिखी भी नहीं होगी क्योंकि व्लॉग ही नहीं बना रहे थे, दिखेगी कहाँ से। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं सुबह 5:17 हो रही है, देखो यहाँ पे टाइम भी आ रहा होगा। नेविगेशन मैंने चालू कर दिया है और एकदम खाली रोड है, ऐसा बहुत कम होता है दिल्ली की सड़कों पे। सीट बेल्ट की वार्निंग आ रही है, सीट बेल्ट भाई अरे सूख जाए यार, व्लॉग बना लें दो, इतने दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं, टह टह करके दिमाग खराब। तो गाइस हम जा रहे हैं गुड़गांव ठीक है, 5:30 मुझे पहुंचना था, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वैसे मैं, अभी ऑलरेडी 5:27 हो गई है। कोई नहीं, मेरे को लग रहा है पंजाबी बाग से 10-15 में शायद मैं पहुंच जाऊंगा गुड़गांव। सो गाइस अभी हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है और थार लेके हम निकल गए हैं। अभी यहाँ से हमें जाना है कहीं पे, मेरे को जगह का पता नहीं है, बस अभी भाई के साथ बैठे हैं। भाई अभी थोड़ा हमारे कैमरा कॉन्शियस है तो भाई को हम व्लॉग में लेंगे नहीं, पर कुछ लोग शायद फिर भी समझ जाएंगे कि बंदा कौन है। तो गाइस अभी हम अपने फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, ट्रैक यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है। अभी और भी गाड़ियाँ यहाँ पे दिखेंगी और जगह का नाम है बंदवाड़ी और ये देखो पहला ही स्लोप देख रहे हो आप, यहाँ से देखो, यहाँ से आइडिया लगेगा आपको, ये देखो गाड़ी कहाँ से उतर रही है, ऑलमोस्ट 70 डिग्री का ये वो है, अभी मैं चला नहीं था। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कौन से कितने डिग्री पे गाड़ी झुकी हुई है, बहुत झुकी हुई है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। ऑफ रोडिंग का पहला ऑब्स्टेकल हमारे सामने आ गया है, यहाँ पे गाड़ी हमको चढ़ानी है और उसमें देखो गड्ढे देखो कितने हैं, ये देख रहे हो आप। और पहली बार मैं इस पे आज ट्राई करने वाला हूँ थार को, गजब बेइज्जती है। अभी गाइस हमने ट्राई करा यहाँ पे चढ़ाने का और हमसे चढ़ी नहीं है, तो अब हमने प्रोफेशनल का सहारा लिया है, अब हम यहाँ पे पैसेंजर सीट पे बैठ के देखेंगे कि भाई यहाँ पे चढ़ाई कैसे रहा, हमारा तो पोपट हो गया यहाँ पे, वो प्रोफेशनल कैसे चढ़ाता है गाड़ी को। पहले मैं जरा पकड़ लू चारों तरफ से गाइस, ए ये तेरी ओ भाई और कुछ समझ में नहीं आया होगा आपके, हुआ क्या पर हुआ बहुत, जो भी हुआ बहुत कुछ खतरनाक सा हुआ, मेरे से आधे रास्ते में रुक गई थी मेरे से तो गाड़ी यहाँ पे। ये हमारा आज का ऑफ रोडिंग ट्रैक और गाड़ी की स्पीड है ऑलमोस्ट 60-70 समझो भाई साहब, ओ अबे भाई गाइस हमारा ड्राइवर कुछ ज्यादा ही खतरनाक कर रही है, सांस ऐसी बाहर आ रहेगी, कमजोर दिल के बंदे को हार्ट अटैक की गारंटी है यहाँ पे। थार जा रही है हमारी कच्चे पक्के रास्तों पे उड़ती हुई एकदम हवा में, आपने देखा मेरा हाल नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, पर बहुत खतरनाक हाल हो रखा है भाई। अभी फाइनली गाइस यहाँ पे आ गया थार का हमारा पूरा ग्रुप और इस गैंग का नाम है गोट, गैंग ऑफ थार्स। तो यहाँ पे गैंग ऑफ थार्स है, चारों तरफ थार ही थार है, ये देखो 5-7 तो यहीं पे खड़ी हैं, 2 उधर घूम रही हैं और 15-20 पीछे हैं, और मोस्टली सारी की सारी नई वाली थार्स है। कुछ लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं मेरी तरह और कुछ लोग हैं प्रोफेशनल्स, जो मेरे साथ भाई बैठा हुआ ठीक है धुआं दाड़ वाला तो देख रहा है बंदा भी यहाँ से चढ़ाने वाला, देखो नहीं गई ओ खींच दी ओ भाई साहब, अभी नीचे टकराई है 2-3 बार, खूखार गाड़ी लेके ये वाला भाई साहब घूम रहे, देख रहे हो इसकी खूखार गाड़ी, देख रहे हो टायर, देख रहे हो इसके, ये दुनिया से अलग ही बंदा है। इनका नाम है रसन पाजी और इनके पास कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली पावरफुल गाड़ी है, इसको ज्यादा स्पीड भी नहीं देनी पड़ेगी, मजे मजे में चढ़ जाएगी ऊपर, देख रहे आप कितना होले होले लेके आ रहा बंदा, क्योंकि गाड़ी पावरफुल ही कुछ ज्यादा है। और अब हम यहाँ से निकल गए हैं अपने बंदों की तलाश में, क्योंकि ये जो बंदे है ना ये थोड़े हल्के वाले बंदे, हम ढूंढ रहे खतरनाक वाले बंदों को, समझे। गाइस अभी कोच साहब ने कह दिया बेटा बहुत तेरी कोचिंग हो गई है, अब तो जाके जरा थोड़ी ऑफ रोडिंग कर, तो अब हम लेके निकल गए हैं गाड़ी को अकेले ठीक है, कोचिंग वोचिंग हमने ले लिया और अब पहला ऑब्स्टेकल देख लो हमारा जो हमने खुद को दिया है, इधर से उतारेंगे गाड़ी, थोड़ा मतलब फोन में ना इतना पता नहीं चलता, पर यहाँ से अब अगर आप एंगल देखोगे ना, ये देखो गाड़ी देखो कितनी झुकी हुई है, यहाँ पे सब कुछ दिखाता है, और अभी तो ये और ज्यादा नीचे जाएगी, एकदम से बोनट जाएगा नीचे की तरफ, ए ये गया,
अब देखो यहाँ पे आप -20 डिग्री देख रहे हो आप, ये इसका एंगल आ रहा है कि गाड़ी कितनी ज्यादा झुकी हुई है, और ये तो बहुत छोटा सा है। वापस से हमारा गाइस ऑफ रोडिंग का कीड़ा यहाँ पे जाग चुका है, और इस वाले ढलान चढ़ाई के ऊपर हम चढ़ाने वाले। देखो गाइस एकदम होले होले चढ़ाएंगे यहाँ पे मंदी, क्योंकि थार में ना पावर बहुत है। बोनट देखो, बोनट के हिलने से आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज्यादा ऊंचाई वाली, समझ रहे हो? देखो ये देखो बोनट देखो, हवा में उड़ता जा रहा है, ट्रैक दिखना बंद हो गया है, इतनी ज्यादा ऊंचाई है। और आराम से चढ़ती है थार अपनी, थार में हंगा बहुत है। कोच साहब ने गाइस फोन पकड़ रखा हमारा, ठीक है गाड़ी में ही चला रहा हूँ, कभी ये मैं सोच रहा हूँ कोच साहब गाड़ी चला रहे हैं। कोच साहब ने शकल भी दिखा दी हमारी, अब तो मान ही लो ठीक है मैं ही चला रहा हूँ। तो यहाँ पे कोच साहब हमें बताएंगे किधर जाना, लेफ्ट है ऊपर, ऊपर जाना है गाइस, यहाँ से चढ़ाने को कह रहे कोच साहब। ठीक चढ़ाए कोच साहब, कोच साहब कह रहे हैं ओके रिपोर्ट है। एक अनोखी सी गाड़ी गाइस हमको यहाँ पे मिली है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक ऑफ रोडर है यहाँ पे। ये देख रहे हो आप, इसका तामझाम देख रहे हो आप, इसका गियर देख रहे हो आप। ये दिखने में चाहे कैसे भी लग रही हो, पर ऑफ रोडिंग के लिए ना बहुत खतरनाक चीज़ है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ही इतनी ज़्यादा है। टायर देखो इसके कितने बड़े बड़े, थार से बहुत बड़े टायर हैं इसके, थार से 1.5 गुना बड़े लग रहे हैं, ऊंची भी इतनी है ये। पूरी हवा में चल आराम से, लवली, बस थोड़ा राइट मारियो हल्का, राइट 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 राइट, हाँ बस परफेक्ट, इतना नहीं लेफ्ट मार, चल 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 जान दे लेफ्ट, खत्म हो गया गाइस। यहाँ पे कच्चे रास्ते को तोड़ के ट्रैक बनाया जा रहा है, यहाँ पे कोई ट्रैक है नहीं, पर यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ उतार उतार के यहाँ पे बाकी गाड़ियों के लिए, हमारे जैसी गाड़ियों के लिए ट्रैक बनाने की कोशिश की जा रही है। झुक गई है गाड़ी पूरी मेरी तरफ, बंद हो गई भैया ये, इसको तोड़ तोड़ के ना बाकी गाड़ियों के लिए रास्ता बना देंगे। देखो यहाँ से वापस से ट्रैवल देखा है कि ट्रैवल कितना आते ये बंदा गाइस जोश जोश में काफी ज्यादा आगे ले गया गाड़ी को। ये देखो गाइस काउंट करो इन थार्स को, पूरा का पूरा थार वाले यार हो रखे हैं यहाँ पे, 20-25 थार होंगी। गाड़ी अभी हमारी उतरने वाली है, प्रोफेसर साहब उतार रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे उतार रहे हैं गाड़ी को, 90 डिग्री का एंगल समझते हो? बस जान ही निकल गई है, सीधी जा रही है बिल्कुल एकदम। ओ भाई साहब ये देख रहे आप, गाड़ी देख रहे आप कहाँ से आई है, देखो यहाँ पे आपको शायद गाड़ी उससे इतना वो ना लग पाया आइडिया, लेकिन जब मैं नीचे बैठूंगा ना तब आप इसका वो देखो, ये देख रहे हो एकदम सीधा, लगभग 70-80 डिग्री का एंगल था, और पीछे से ऑलमोस्ट गाड़ी उठ गई थी, समझ रहे हो आप, दिल बाहर आ गया था। बंपर निकल गया, उतर तो गई भाई ना, निकल जाएगी निकल जाएगी। एकदम स्लो स्लो आएगी ये गाड़ी, और लगभग 5 फुट का ही गड्ढा है, थार वार नहीं निकल सकती यहाँ से, यही निकलेगी यहाँ से। तो देखो नीचे चेसी उसकी लगनी स्टार्ट हो गई नीचे, देख रहे हो आप, और गड्ढे का जो लेवल है ये देखो आप, यहाँ से रोड है ही नहीं, यहाँ पे रास्ता है ही नहीं, और अभी ये यहाँ पे उतरेगी।
और एक बंदा इसमें अंदर बैठ के भी वीडियो बना रहा है। देख लो ओ भाई पीछे से खड़ी हो गई थी ऑलमोस्ट। उतर गई है आराम से। अगर हम यहाँ से थार उतारने की कोशिश करेंगे ना तो थार सीधा पीछे से पलट के सीधा आएगी आगे। करीब करीब भाई 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे से ऑफरोडिंग अभी भी चालू है। और भाई आज मैंने ऐसी ऐसी जगहों से गाड़ी निकाली है ना, मतलब शायद वीडियो में ना दिखे पर एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसी जगह पर गाड़ी निकाल भी पाऊंगा। और भाई जो हमारे गुरुजी थे वो कह रहे चल 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 हो गया। अरे भाई हो ही गया, ऐसी ऐसी जगह से निकाल दी भाई, मजा आ गया एकदम। गाइस देखने से तो लग रहा है कि शायद बंदे मिल गए हैं। और यहाँ पे किक्कर बहुत है, किक्कर वगैरह से स्क्रैच बड़ा पड़ रहा है। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं पत्थरों के ऊपर, मतलब गाड़ी तोड़ने की सबसे बढ़िया जगह है। अगर किसी को गाड़ी तोड़वानी है तो पत्थरों पे गाड़ी चढ़ा दो। और डेड एंड पे चढ़ गई है लग रहा है गाड़ी, आपको यहाँ से थोड़ा कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पाता। गाइस अभी हमारे सामने मौजूद है अभी तक का सबसे मुश्किल रास्ता, देख रहे हो आप, ये लगभग 60 डिग्री की चढ़ाई है। और अब यहाँ से ये वाली गाड़ी चढ़ने की कोशिश करने वाली है पत्थरों के ऊपर से। दो गाड़ियां ऑलरेडी चढ़ के जा चुकी हैं वैसे। पत्थर पे पत्थर आ रहे हैं, देख रहे हो आप। वीडियो बनाना भी खतरनाक है, यहाँ पे जान खतरे में आ सकती है क्योंकि गाड़ी पत्थर फेंक रही है। पर चली गई है गाड़ी जीत का इजहार करते हुए अपनी। अब गाइस यहाँ पे थार चढ़ने की कोशिश करने वाली है। आप रास्ता देख रहे हो, आपको कोई रास्ता है ही नहीं, देखोगे क्या, रास्ता है ही नहीं, रास्ता बनाया जा रहा है। ये गाड़ी ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया पर फिलहाल। ये रास्ता देख रहे हो आप नीचे एकदम पत्थरों वाला, जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था जहाँ पे गाड़ी चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और वहाँ पे पहले वो वाली गाड़ी चढ़ने की कोशिश कर रही थी जिसका बोनेट खुल गया। यहाँ से एक लोती थार है जो हमारी चढ़ गई है, इसके सिवा सिर्फ वो बड़े बड़े वाली गाड़ियाँ चढ़ गई है जिनके बड़े बड़े टायर है। और ये खड़ी हमारी थार देखो, इसके सिवा कोई और थार यहाँ पे ऊपर नहीं चढ़ पाई है। मैंने नहीं चढ़ाई है, गुरुजी ने चढ़ाई है हमारे देख रहे हो। इसके सिवा सिर्फ ये वाली गाड़ियाँ चढ़ी हैं यहाँ पे, जो ये सामने खड़ी है ना ऐसे वाली। तो गाइस देखो कुछ इस तरह से होती है रैली रेसिंग। वैसे थोड़ा सा मिस हो गया, पीछे से मैंने बनाई नहीं, पर फिर भी हल्का फुल्का तो नज़ारा मिल ही जाएगा। गाड़ी कैसे उड़ती हुई जाती है कच्चे रास्तों पे, पीछे से ना रगड़ती हुई जा रही है, स्किट करते हो भाई साहब समझ सकते हो थार की आवाज ही देख लो आप जरा। यहाँ बंदा हल्के हल्के भी नहीं चलाएगा, यहाँ गाड़ी उड़ती हुई जा रही है, स्किट खा रही है गाड़ी चारों तरफ एक बार लेफ्ट ओ एक बार राइट, और हवा वाला घुड़ा गाड़ी भी कुछ बोल पड़ी भाई, कह रहे कुछ लिया कुछ लिया है, पर यहाँ पे कुछ सुना नहीं जा रहा है। हम अंदर बैठे गाड़ी कर अपना मुंह बचा रहे किकरों से और गाड़ी जा रही है कुरसती हुई भाई, स्क्रैच बहुत पड़ गए। ओ भाई साहब ऐसे चलते हैं, देखो गाड़ी रैली के अंदर, ये है रैली रेसिंग खतरनाक। कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड दिमाग खराब हो गया, रास्ता रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा। तो गाइस अभी ऑफ रोडिंग हो गई हमारी खत्म और लगभग दोपहर के 12 बज गए। सुबह 6:30 बजे हम आ गए थे, लगा लो 3-4 घंटे की हो गई। और बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करी थी आपने देखा ही है। अभी फिलहाल निकल रहे हैं घर की तरफ, भाई साहब हमें छोड़ेंगे हमारी गाड़ी के पास जहाँ हम चोरी से छुपे से होटल के नीचे खड़ी करके आए हैं, ये बोल के हम यहीं रह रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस भाई हमारे चले गए हैं, गाड़ी हमें हमारी मिल गई है और एक छोटा सा कांड भी हमने कर दिया है पर वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अब चलते हैं भाई सीधा घर की तरफ, बहुत काम रुके हुए हैं जैसे कि वीडियो बनाना, फेसबुक की वीडियो, यूट्यूब की वीडियो, दोस्तों से मिलना। घर वालों के फोन आ रहे हैं सुबह 6 बजे से, मैं गायब हो रखा हूँ कि अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। काफ़ी सारे काम रुके हुए हैं घर पे और बढ़िया एंजॉय हो गया है। ऐसा एक्सपीरियंस भाई लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम ही होता है ये, समझ रहे हो। जिस लेवल की आज ऑफ रोडिंग मैंने वहाँ पे फील करी है आप भी वीडियो में देख के समझ ही रहे होगे, मतलब अलग ही लेवल है। ऐसा नहीं कि कहीं खेत में जा रहे हैं ये उतार रहे हैं छोटा मोटा हल्का फुल्का ऑब्स्टेकल पार कर दिया, ना 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 ना, सुपर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया पर जितनी भी रिकॉर्ड हुई है वो भी भाई कम नहीं है और मजा आ गया भाई। देखो आप भी बताना जरूर आपको कैसा लगा। घर जाने से पहले गाइस अभी हम रुक गए हैं कपड़ों की दुकान पे, कुर्ता पजामा सिलने के लिए दिया था मैंने
उसको अभी पैक करा के घर लेके निकलते हैं। गाइस कुर्ता पजामा हमारा पैक हो गया है, एक दोस्त की शादी होने वाले, दोस्त नहीं जीजी का लड़का है मेरी, जीजी गोली मार देगी समझ रहा, वही वाली जीजी, नोटा वाली जीजी, उनके बेटे की शादी है तो उसके लिए मैंने बनवाया ये कुर्ता पजामा, पर ये नहीं पता पहनूंगा कि नहीं पहनूंगा। और सामने खड़ा हमारा दूसरी तरफ पानी वाला जहाज जिसको हम रोड पे चलाते हैं, अगर आज इसको जैसे थार को चलाया ना आज, ऐसे इसको चला देते ना भाई आज, इसके तो अंजर पंजर सब टाइट हो जाते हैं भाई, सारी टूट टाट का वहीं बिगड़ जाती है, सरेंडर कर देती है गाड़ी वहाँ पे। पर ये वाली गाड़ी भाई किसी और पर्पस के लिए, और थार आपको थार का पर्पस आ रहा आपको समझ में आ ही गया होगा कि थार क्या काम करती है। पर इसका देखो ये बड़ा प्यारा लगता है, इधर से एक्सयूवी घूमती हुई आती है, वेलकम करती है और कहती है घर को बोलो बहुत जल्दी। फिलहाल अभी हम अपनी एक्सयूवी से भी हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग कर ही रहे हैं घर पहुँचने वाला हूँ गाइस मैं, और थोड़ा सा जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता लिया है मैंने, कहा चलो इसको भी हल्का फुल्का ऑफ रोड कर लेते हैं। हल्का फुल्का क्या है तो मतलब समझ रहे, यहाँ से तो वैगनार भी निकल जाएगी, वैगनार की बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, ये कह के भाई बहुत टाइम वैगनार चलाई है हमने, बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई, एकदम शानदार जानदार गाड़ी है। घर पे आ गए गाइस हम अपने, सॉरी अपने नहीं आए हैं, हम किसी और के घर पे आ गए हैं। देखो कैसे भागी मेरे को देख के, इधर आओ, आज होगी सबकी पिटाई, जो जो मुझे देख के भागा वो पिटेगा। ये देखो भाई चिंकी को देखो, चिंकी इधर आ, छांटे खा, चुपचाप इधर आ, अंदर नहीं जाना, इधर आ, छांटे खा ले, अरे कौन जा रही है ओए। गाइस देख रहे हो मास्टर का खौफ देख रहे हो, बच्चा भी और बच्चे का बच्चा भी। और ये हमारी प्यारी डुग्गू शानवी का है, शानवी हेलो बोलो, हेलो मुंह से बोलो, बोल दिया ऐसे बोलो कैसे हो आप, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो ठीक है डुग्गू, हाँ पैसे कमाएंगे। गाइस ये टेक नंबर दो, यही टेक मैंने इससे पहले भी लिया था, कॉल आ गया था तभी उसको मैं वापस आपको बताता हूँ। इस रजाई के अंदर एक बंदा है, वो मेरे से बहुत नाराज है, ये नहीं है वो बंदा, ये तो पिटाई से बचने के लिए कर रहा है ठीक है, ये है वो बंदा, ये बंदा मेरे से कल से नाराज है गाइस, इसके 5 रुपए छीन लिए हमने। इसकी उंगली तोड़नी पड़ेगी तब थोड़े गुस्सा है, कितना गुस्सा है। सबसे पहले यही डालेंगे शुरुआत में, मैं गुस्सा हूँ। ओए चिंकी क्या हाल है तेरे, सही है तू, आप देख नीचे। गाइस खाना खाते खाते मैं भूल गया था कि खाने के बारे में भी तो बताना होता है भी लोग में कि मैं आज खाना क्या खा रहा हूँ। देखो रोटी, अचार आम का, इधर मिर्च का था, ये पता नहीं क्या चीज़ है, अजीब सी चीज़ है गाइस, ये दो अंडे से क्या बोलते हैं इसको जल्दी बता दे, किसका, टीट का अचार गाइस, इसको मैं बिल्कुल नहीं खाता इसलिए ऐसे छोड़ दिया। और ये हमारी चाय, ये हमारी शानवी, वो हमारी डुग्गू है, और ये हमारी चिंकी है। सो गाइस जाने से जस्ट पहले हमारी जीजी आ गई है, मैं जस्ट निकलने ही वाला था तुरंत एकदम से आ गई, होली होली खेल के आई है अभी, कहाँ पे गई थी, कीर्तन में, कीर्तन में होली चल रही है गाइस। देखो कीर्तन तो सिर्फ एक बहाना है, मकसद तो होली मनाना है। इधर देखो बस गाइस आज के, और आज के व्लॉग में भी इतना ही रहेगा ठीक है, अब मैं घर जाके वीडियो बनाऊंगा, इसको एडिट वेडिट करूंगा, बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, टूर्नामेंट खेलने हैं, उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके बाय।